आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल के मार्केट का क्या आउटलुक लगने वाला है। इस समय अपने मार्केट के आउटलुक को डिस्कस करें, इससे पहले यूएस मार्केट में देखेंगे तो काफी स्ट्रांग अप ट्रेंड दिखा। नेस्डेक जहां देखेंगे मोर देन 3% और डाउजो नियर अराउंड 2% के अपट्रेंड में ट्रेड हो रहा है। एसजीएक्स निफ्टी भी देखेंगे तो मोर देन 100 पॉइंट्स के अपट्रेंड में ट्रेड होते हुए दिखा है। बैंक निफ्टी के क्लोजिंग देखें तो काफी स्ट्रांग रहा, 40,000 के लेवल को सस्टेन करता है, तो इजली 40,600 तक के लेवल दिखेंगे। जहां अपने कॉल के तरफ जाना है, पुट की बाइंग तभी करेंगे जब 39,900 के नीचे मार्केट आती है, अन्यथा पुट के बाइंग को कल के लिए इग्नोर करेंगे। एक वन साइडेड अपट्रेंड आपको दिखने वाला है। निफ्टी के अंदर देखें तो मल्टीपल रिजेक्शन 17,320 का दिखा और क्लोजिंग आज वहीं पे रही। इसका काफी इंडिकेशन स्ट्रांगली यही है कि कल मार्केट एक वन साइडेड अपट्रेंड दिखने वाला है। कल आपके लिए जो एसएल होना चाहिए लॉन्ग के लिए 17,300 के लेवल को जब तक लॉन्ग सस्टेन करता है, लॉन्ग के तरफ जाएंगे, शॉर्ट तभी करेंगे जब 17,300 के नीचे आता है। 17,300 के ऊपर सस्टेन करने पे पहला टारगेट 17,420 और दूसरा टारगेट 17,480-500 तक के लेवल्स भी दिखेंगे। साथ में ही दो पर्सनली स्टॉक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, इंडसइंड बैंक और दूसरा स्टॉक SBI, जो कल का आउट परफॉर्मिंग स्टॉक होने वाला है। और साथ में ही आप जितने भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर कैश में ट्रेडिंग करते हैं तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है Edelweiss का, उसके थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां आपको पर्सनली गाइडेंस मिलता है, इजी टू एसेस है। चाहे आप वॉचलिस्ट देखें या ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी देखें तो काफी बेहतर और आसान है।